यात्रा भैया, क्या मकसद और क्यों आए? मैं 20 साल से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरा गांव कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। और मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से सीधा कन्याकुमारी गया और कन्याकुमारी के साथ राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में साइकिल से शामिल हूँ। अभी श्रीनगर तक जा रहा हूँ। कन्याकुमारी से यहाँ तक साइकिल पे शामिल है? साइकिल पे आ गया। इतनी ऊर्जा कहाँ से? वो मैं बचपन से साइकिल चलाता ना, इसलिए मुझे साइकिल की आदत ज्यादा है। नितिन गणपत नांगनुकर। नितिन गणपत नांगनुकर जी, क्यों प्रेरित है राहुल गांधी से, क्यों यात्रा में शामिल हो रहे हैं, वो भी कन्याकुमारी से? मैं 20 साल से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ ना, इसलिए मैं राहुल गांधी के साथ करता है। वो कह रहे कि भारत को जोड़ने की जरूरत है, नफरत है, आपको भी लगता है? भारत अभी 2024 में आगे बदलेगा और यहाँ दिल्ली में, राजस्थान में, अभी यूपी में देखने को मिल जाएगा, आगे भारत बदलेगा। अच्छा, तो ये आइडिया कहाँ से आया है, किस तरीके से आपको यात्रा में शामिल होना चाहिए? मैं साइकिल से चलाऊँ, बचपन से साइकिल से चलता हूँ ना, ये साइकिल से चलने का कपड़े का आइडिया कहाँ से आया कि कपड़ा नंगा हो और कांग्रेस पार्टी का पूरा ये पहना जाए? पहले से कपड़े पहनता हूँ मैं और साइकिल से कहीं भी चुनाव होगा ना जाता हूँ मैं। कांग्रेस के लिए प्रचार करने क्या अच्छा लगता है कांग्रेस को? कांग्रेस से मैं, मुझे राहुल गांधी अच्छे लगते है और आगे पनपन वही बनेंगे, प्रधानमंत्री वही बनेंगे। भैया, आपका हेयर स्टाइल भी बड़ा अजीब है और बहुत डिफरेंट है, क्या है ये, समझाएंगे थोड़ा? ये मेरा हेयर स्टाइल है, अभी 2 दिन से शिविन का बना रहा हूँ उसको। ये हाथ का पंजा है क्या? हाँ, हाथ का पंजा है। तो इतना प्यार कांग्रेस से? हाँ, मैं इतना प्यार करता हूँ कांग्रेस से। राहुल गांधी 2-4 बार मिल गए मुझे, प्रियंका गांधी भी मिल गई। प्रियंका गांधी भी, राहुल गांधी भी, कुछ कहा आपसे उन्होंने? प्रियंका गांधी अभी नहीं मिली, 2 साल हो गए, अमेठी में मिली। तो कुछ कहा आपसे राहुल गांधी ने? आपका सर पे आपने पंजा बनाया हुआ है, साइकिल पे सवार रहते हैं, कुछ बात हुई आप? हाँ, बात हुई है। प्रियंका गांधी वेरी गुड कहा और आप मुझे एक साइकिल दिला दी। साइकिल दिलाई? हाँ। अच्छा भैया, कि बीजेपी कहती है नफरत की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी, तोड़ने निकली है भारत को। बीजेपी में कितने अच्छे दिन आए देखो ना, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, शक्ल इस साइड फेस कर जी, पेट्रोल महंगाई पर वार कर दिया, महंगाई पर सरकार घिरती है हमेशा, बड़ी हुई है, महंगाई कम नहीं हुई है, डीजल पेट्रोल गैस महंगा हुआ है। डीजल 50 रुपये था वो 110 रुपये हो गया, पेट्रोल 50 रुपये था वो 115 रुपये हो गया, गैस 450 रुपये था। कांग्रेस में भी थी ना? हाँ, कांग्रेस के सरकार में वहाँ गैस सिलेंडर कम था, डीजल पेट्रोल कम था, और ज्यादा है अभी, ज्यादा है। बीजेपी कहती है कि हम विकास कर रहे हैं। नहीं, क्या विकास कर रही है, कहाँ विकास कर रही है, अभी कहाँ अच्छे दिन कहाँ आ गए देखो, यूपी में अच्छे दिन आ गए क्या, दिल्ली में अच्छे दिन आ गए? सरकार तो है ना, लेकिन है, लेकिन अच्छे दिन कहाँ है आप बताओ ना, मतलब अच्छे दिन नहीं आए। अच्छा, 2022 अभी गया है, 2022 गया, उसके लेकर वादे थे कि पक्का घर मिल जाएगा, जल मिल जाएगा, कुछ नहीं मिला अभी तक, महाराष्ट्र में कुछ नहीं मिला। तो इस यात्रा से क्या लाभ होगा? अभी मैं आगे राहुल गांधी के साथ श्रीनगर तक चलूंगा और वहाँ से यात्रा खत्म कर तक आप जाएंगे? श्रीनगर तक जाऊंगा मैं और श्रीनगर में यात्रा खत्म करके मुंबई चला जाऊंगा। अच्छा, मुंबई जाएंगे, क्या करते हैं आप? एक साइकिल का दुकान। साइकिल का दुकान? अभी पिताजी है, चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने थे और हमेशा कहते कि देश की सेवा करूंगा। क्या देश की सेवा कर, अभी गैस सिलेंडर महंगा हो गया, सब महंगा हो गया, अभी इधर चाय पिया तो इधर चाय कहाँ, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन कहाँ आए बताओ, वोट दो मुझे, अच्छे दिन आ जाएंगे 2024 में। अभी 3 साल हो गए, अच्छे दिन कहाँ है देखो,